अच्छा लगता है। सर कैसे आप इतने शरारती बच्चों को आप मैनेज कैसे करते हैं? सर पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा जब भी तुम बच्चों को पढ़ाओ तो ऐसा कभी मत सोचना कि बच्चा बहुत मस्ती करता है, क्योंकि जब तुम बच्चे थे तुम भी बहुत मस्ती करते थे। तो सर यहाँ पे हम बच्चों को नहीं, बच्चे हमको मैनेज करते हैं। ये देखिए आप लोग लोग गांव से बॉम्बे आते हैं, बॉम्बे से लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आप तो वहां बहुत खुश थे, अच्छी पढ़ाई चल रही थी, मतलब एक बहुत ब्राइट लाइफ था वहां पे। लेकिन आप ऐसा नहीं लगता कभी कि यहां आकर इन लोगों के बीच में फंस गए हैं? वही मतलब तंग करना आगे, सर आकाश सर बताओ ना क्या हुआ, ये क्या है, मतलब इनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कहां फंस गया आप? हमेशा तो एक्चुअली सर फैमिली के साथ ही रहे, मतलब ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं फैमिली से दूर था। तो पापा ने स्टार्टिंग से ये बोल के ही भेजा था कि बेटा 2 साल बाद आना ही है। बाद में ऑब्वियसली ऑप्शन दिया था मेरे को कि तेरे रुकने की इच्छा है क्या, तो ऑब्वियसली मतलब पूछा था मेरे को कि अगर तेरे को तो रुकना है तो व्हाट्स द रीज़न। तो मैंने बोला था सर पापा की ऑब्वियसली यूएस रुकने का एक ही रीज़न है कि पैसा बहुत मिलेगा। तो पापा ने बोला कि बेटा पैसा अपना उद्देश्य नहीं है, और कोई रीज़न है तेरे को तो रुकना है तो रुकना है, तो फिर तेरे आना है। तो ऑब्वियसली और कोई रीज़न नहीं था, तो फैमिली के साथ रहना तो रिटर्न तो आ गए। जैसा आपने बोला कि इन लोगों के बीच में ऐसा लगता तो नहीं कि परेशान कर रहे सर, ये 2 साल में मैंने जो लाइफ में इन लोग के थ्रू पाया ना सर, वो खुशी शायद मेरे को और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब सीरियसली जो प्यार बच्चे देते हैं ना सर, कभी कभी सोच के लगता है यार यही लाइफ है यार, और कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में। सर स्मार्ट आंसर था ये, सब कहीं ना कहीं AGI का ये मोटो है शुरू से, एजुकेशन शिक्षा,